ग्राम पंचायत दड़ूही के तहत आने वाले मटाहनी क्षेत्र में मस्जिद निर्माण की अफवाह ने माहौल को तनावपूर्ण बना दिया। रविवार शाम यहां पर मस्जिद निर्माण की बात हवा की तरह चारों ओर फैल गई। मामले की सच्चाई को जानने के लिए वन विभाग के अधिकारी सोमवार सुबह के समय मटाहनी क्षेत्र में पहुंचे। यहां जाकर देखा तो एक शमशान घाट पर टाइलें लगाने तथा दीवार लगाने का काम चल रहा था। जांच के दौरान पाया गया कि यहां पर मस्जिद का निर्माण नहीं बल्कि शमशान घाट को सुदृढ़ करने का कार्य चल रहा था। यहां पर टाइलें लगाने का कार्य किया जा रहा था तथा बाउंड्री वॉल भी लगाई जा रही है। मस्जिद निर्माण की अफवाह फैलने के बाद बाउंड्री वॉल को भी हटा दिया गया। मेरा नाम भागदीन है, मैं इत्थी दा बसिंदा रहने वाला है। ने गल ये भी इत्थी 1997 ते लाई कने कने अज दिन तक छिंज कमेटी इक गांव की कमेटी इकट्ठी होकर कुश्तियां करांदी चिराग बालने वास्ते एक पीर की स्थान खड़ा की 27 साल पुरानी है, अज की कोई नई नहीं है। लेकिन एक दान वाला बंदा आया तेने बोले भी माड़ी जी टैलां लानी है, सह लगी पे हाँ लगाना, बाकी साड़ा कोई इशू नहीं है, कोई इतनी पुजारी नहीं है, कोई ऐसी गलबात कहानी कोई नहीं। आम जनता है जेड़ा जो कोई आंदा सह आज कने अपने चिराग बालदा अगरबत्ती मत्था टेकदा चले जाता। जेड़ा जी माड़ा मोटा सी दान वाले बंदे ने दान दिते हा लगाना लगे हा उस जो है तोड़ फोड़ कने वापस चुकी ने, जी पुरानी जेड़ी चीज थी सही है नहीं कुछ भी नहीं है थी। हर स्पॉट पर अपनी गड्डी नहीं नहीं हर स्पॉट पर मेरी दिव्य हिमाचल टीवी के लिए हमीरपुर से सुरेंद्र ठाकुर की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश का नंबर 1 ज्वेलरी शोरूम वोमा ज्वेलर्स जो सोलन में स्थित है, वहाँ अपने ग्राहकों के लिए एक अनमोल अनुभव लेकर आ रहा है। हिमाचल के विभिन्न जिलों में अपने शानदार एग्जीबिशन और सेल के बाद अब हम आपके अपने शहर धर्मशाला में आपकी सेवा में हाजिर हो रहे हैं। 5 सितंबर से 8 सितंबर तक होटल सेंटर पॉइंट में आयोजित होने वाली इस विशाल एग्जीबिशन और सेल में आपका स्वागत करने के लिए हम बेहद उत्साहित हैं। इसलिए वर्मा ज्वेलर्स आपके लिए लेकर आया है ऐसा आभूषण संग्रह जो आपके हर पल को और भी खास बनाएगा। हमारे हर आभूषण में हमारी विरासत और शिल्प का बेजोड़ संगम दिखाई देता है। आपके आगमन का बेसब्री से इंतजार रहेगा।